कैसा हो गया जी? पहला पुआ टेढ़ हो गया है? ये पहले पुआ टेढ़ हो गया जी? हेलो दोस्तों, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप लोगों को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज रथ यात्रा की खुशी में आज हम लोग बहुत काफ़ी उत्साहित हैं और हम लोग जो उसके उपलक्ष्य में बहुत अच्छा अच्छा खान पान बनाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में आप लोग दोस्तों बन रहिएगा। तो कविता जी, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों घर की सफाई कर लेते हैं, थोड़ा आंगन का लिपाई कर लेंगे। कहा कि हम लोग देखिए तुलसी माता का आप लोग का मंदिर दिख रहा होगा, तो वहीं पर हम लोग जो है आज उसको पूजन करेंगे। तो इसके उपलक्ष्य में देखिए मुनि भी जो है बहुत काफ़ी उत्साहित है। क्या मुनि? हाँ, देखिए आज त्यौहार है, आज रथ त्यौहार है, आज पावन त्यौहार है, आज से रथ की शुरुआत होता है दोस्तों। आज रथ पूजा से ही सभी त्यौहार का शुरुआत किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग शुरुआती दौर में ही बहुत अच्छे से हम लोग इसको त्यौहार को मनाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए कविता जी उधर झाड़ू लगा रही हैं और इधर हम मुनि को रखे हुए हैं। कहा कि मुनि को झूला में झूला देते हैं फिर भी रोने लगती है, तो हम मुनि को हम रखे हुए हैं। और अभी बाबू उधर गया है खेलने के लिए। बाबू बाबू बाबू, देखिए बाबू को बुलाया लेकिन आ नहीं रहा है, कि इधर चला गया है खेलने के लिए, अभी वो आएगा। तो कविता जी झाड़ू लगाया हो गया इधर? हाँ। अच्छा हो गया ना? हाँ लगा लेंगे, उसके बाद हाँ उसको झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद में जाइए गोबर लेके आइए, है ना? तब हाँ। तक हम मुनि को रखे हुए हैं, नहीं तो फिर रोने लगेगी, उसको भी भूख लगने लगेगा तो फिर रहेगी नहीं, जल्दी काम नहीं हो रही है। हाँ इसीलिए जल्दी जाइए, ठीक है? देखिए मुन्नी भी जो है पूरा एकदम देख रही है ना बेटा, पूरा खेलने में उत्साहित है भी, कहे कि रथ यात्रा है, आज रथ पूजन है। देखिए बाबू खेलने के लिए खेल के आ गया उधर से, फिर देखिए खेलिए रहा है, सुबह से खेल रहा है, फिर भाग गया खेलने के लिए, पूरा पूरा उत्साह में बाबू भी एकदम। हाँ पूरा रात का खुशी में पूरा गाड़ी चला रहा है ना बाबू? बाबू हाँ रात का खुशी में पूरा गाड़ी चला रहा है। अरे देखिए पूरा बाबू खेल रहा है। ठीक ठीक खेलो खेलो खेलो। तो दोस्तों देखिए कविता जी गोबर लेके आ गए हैं, अभी आंगन लीप रही हैं, ये देखिए अभी शुरुआत किया है ना जी। हाँ। दोस्तों देखिए कविता जी आंगन लिप रहे हैं और देखिए मतलब आधा लिपा हुआ हो गया क्या जी? हाँ आधा है। हाँ आधा और बचा हुआ है, ये पूरा हो जाएगा ये आंगन। तो इसको जो है ये चबूतरा जो है हम लोग का, इसको लिप दीजिएगा। हाँ। है ना, तो ये जो पूरा चिकना हो जाएगा। तो चलिए आप पहले आंगन को पूरा बढ़िया से लिप लीजिए, उसके बाद में उसको लिपने जाइएगा। और पानी घटेगा तो बोलिएगा, पानी हम ले आएंगे, मुनि को आप रखिएगा। हाँ। तो दोस्तों देखिए मुनि जो है सोई हुई थी लेकिन फिर उठ गई, और देखिए कविता जी फिर गोबर लेके आ गई है, आ गए जी। हाँ तो मतलब लिपने के लिए और कितना है बाकी? अच्छा। अभी है बाकी अभी ना? हाँ। अच्छा देखिए छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, मम्मी को लिपाई करने दो, आंगन का लिपाई करेंगी तब ना हम लोग। एक बिस्कुट दे दीजिए। हाँ बिस्कुट दे रहे हैं। बिस्कुट है? हाँ हाँ है, दे दीजिए। तो देखिए इतना दोस्तों अब आंगन लिपाई कर चुकी है कविता जी, तो गोबर और फिर अभी गोबर घोटने के लिए जा रही है। इसको पूरा कर लीजिएगा जी, है ना? हाँ। इतना देखिए कविता जी का गोबर लिपाई हुआ हो गया है, अभी फिर इसको गति करने जा रही है, लिपने के लिए जा रही है। तो इसको घोटर लीजिए, उसके बाद में वो हो जाएगा, वो आंगन हो जाएगा, तो फिर इस चबूतरा को कर दीजिएगा, है ना? नहीं आगे चबूतरा भी कर लेंगे। हाँ चबूतरा को कर लीजिए, उसके बाद में इसको पूरा कर दीजिए। हाँ। उसको जो चूल्हा है चूल्हा को थोड़ा लिपाई कर दीजिएगा, ताकि मतलब हो जाएगा। हाँ घर है, घर को धो धा के निकलेंगे। हाँ वो घर को धो के निकाल दीजिएगा, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। दोस्तों देखिए हम लोग जो है घर पूरा एकदम साफ सफाई कर लिए, देखिए आंगन भी पूरा साफ हो गया क्या जी? हाँ।
तो अब हम लोग को तो साफ सफाई हो गया, तो चलिए हम लोग अब जाते हैं नहाने के लिए। चलिए नहा के आएंगे तो फिर इधर फिर खाना पीना में लग जाएंगे अपना। हाँ बाबू को भी ले लीजिए, देखिए बाबू किधर चला गया है ना। हाँ ठीक है, चलेंगे ना मुन्नी नहाने के लिए। देखिए मुन्नी भी नहाने के लिए जाएगी। हाँ झरना जाएगी ना बेटा। हाँ झरना चलेंगे बेटा अभी नहाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, उधर से आएंगे तो फिर खाना पीना में लग जाएंगे। ठीक है चलिए जी। चलिए चलिए। तो दोस्तों हम लोग नहा धो के आ गए और अभी देखिए अभी हम लोग पुआ बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले कविता जी का आटा डालेंगे ना। आटा आटा डालने जा रही है, देखिए ये आटा डालने जा रही है। और देखिए बाबू इसको देखिए आज चक्का मिल गया, चक्का घुड़काने लगा, पहले परात को घुड़काता था, देखिए अभी चक्का घुड़का रहा है। क्या बाबू चक्का घुड़का रहा है ना। इधर देखो चक्का इधर थोड़ा दिखा। देखिए कविता जी अब आटा डाल ली, सूजी डालने जा रही है। वो सूजी है ना है जी। हाँ सूजी है। सूजी डाल दी, देखिए सूजी डला गया, आटा डला गया, देखिए बाबू भी बैठ गया। क्या बाबू उसको भी डालिएगा, वो भी सूजी है ना है। हाँ सूजी है। अच्छा चलिए ठीक है, वो पानी है बाबू, पानी है, वो भी पानी है, पानी इसमें डलाएगा। देखिए आटा सूजी सब मिला ली, अब चीनी डालने जा रही है ना जी। चीनी ना डालिएगा। देखिए जी और डालिए। पूरा डाल दीजिएगा क्या? अच्छा ज़्यादा मीठा भी ठीक नहीं होता है, एकदम साधारण दीजिए ताकि सब कोई खाएगा बढ़िया से। ज़्यादा मीठा वाला मुंह बांध देता है, खाने का मन नहीं करता है। तो इसको अब क्या इसमें कौन सा पानी दीजिएगा? सुसुम पानी दीजिएगा कि सुसुम पानी? अच्छा उसको सुसुम पानी दे दीजिए। और तब तक अब इसमें ये कीजिए, इसको सानिए। हाँ। इसको अच्छा हाँ तो दीजिए ना, तो डालिए पनिया डालिए, कसम पानी डालिए। देखिए कविता जी अभी देखिए ये जो पानी डाला रहा है, ये सुसुम पानी डाला रहा है, हल्का गर्म है, तो इसी तरह का मतलब पूरा ठंडा ना पूरा गर्म, एकदम हल्का गर्म। तो इसको आप सानिए जी है ना। हाँ। तब तक हम आग को जला लेते हैं। हाँ। ठीक है अभी मुनी सोई हुई है, नहीं तो फिर उठ जाएगी तो हम लोग को बनाने नहीं देगी, दिक्कत। हाँ दिक्कत करेगी, तो तब तक हम इधर आग को जला देते हैं फट से। दोस्तों देखिए कविता जी पूरा ये मिला ली है, मैं अथी आटा और सूजी है ना जी। हाँ, और चीनी ये पूरा मिल गया। और अभी ये जो पूरा सौंफ डालने जा रही है ताकि ये अच्छा लगेगा खाने में, तो सौंफ है ना है जी। हाँ, डाल दीजिए। ये हो गया, अब हम आग भी जल गया तो हम जा रहे हैं वो कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। हाँ। ठीक दोस्तों देखिए तेल जो है गरम हो गया है कढ़ाई में। हाँ इसको गांव में इसको तेल के नाम से नहीं बोलते हैं, पानी बोलते हैं। क्या है कि तेल बोलने से सुनने में आता है कि ये सोखने लगता है, इसीलिए इसको पानी बोला जाता है। तो हम तो मिस्टेक से बोल दिए, लेकिन आपसे पानी बोलेंगे ना जी। हाँ तो अच्छा ये इसी में उठा के डालिएगा ना। हाँ तो लीजिए दोस्तों देखिए कविता जी जो है सान ली है सूजी और मैदा और चीनी भी मिक्स की है ना जी। हाँ, चीनी भी। हाँ तो देखिए ये घोल तैयार हो गया है, अब कविता जी डालने जा रही है, डालिए जी। देखिए पहली बार कविता जी डालने जा रही है, कैसा बन रहा है, डाली है अब निकालेगी तो पता चलेगा कैसा बनाती है पुआ रोटी कविता जी।
दोस्तों देखिए पानी का भी बहुत भयानक मौसम बनाया हुआ है। आज रथ है ना, रथ यात्रा में पानी आता ही है। अभी बारिश का मौसम तो बहुत भयानक बनाया है, देखिए अब कैसा बारिश होता है। देखिए बादल का गड़गड़ाहट आप लोग को सुनाई देता होगा। ये पक गया जी एक साइड। अच्छा पलटा दीजिए, पलटा दीजिए तो उलाट दीजिए, इसको उलाट देना। इसे उलाट दे रहे हैं, अब ये पकेगा बढ़िया से। तो आप इधर आइए ना, हम आग को जला दे रहे हैं। हाँ ये पक गया होगा, निकाले। हाँ ये लग रहा है कि पक गया, देखिए। हाँ लग तो बुझा तो रहा है। देखिए कविता जी का पहला पुआ, एक तो बस थोड़ा सा डाल के चेक की थी तो ऐसा बन गया, और फिर ये बन रहा है इस तरह का बना, और फिर अगर किस तरह का डालेगी तो बनेगा। लीजिए उठाइए यार। तो आप इधर आइए जी, हम आग जला दे रहे हैं, है ना। हाँ। दोस्तों देखिए कविता जी दूसरा बार डालने जा रही हैं, डालिए जी अबर कैसा बनता है। बारिश का टिप करना शुरू कर दिया जी, लग रहा है। देखिए उधर तो बुझा रहा है कि पानी गिर रहा है। फिर इस त्योहार में पानी तो आता ही है। देखिए कविता जी का दूसरा पुआ आप देख सकते हैं कैसा बनाई है। ये देखिए दूसरा पुआ है, पहला पुआ भी टेढ़ हुआ, दूसरा पुआ भी टेढ़ हुआ है। क्या जी कविता जी, अब फिर अब तीसरा बार डालने जा रही है। तीसरा बार डालने जा रही है, देखिए। तीसरा बार में लग रहा है कि सही होगा। दोस्तों देखिए दो बार तो कविता जी जैसे तैसे बना दे, लेकिन देखिए तीसरा बार जो बनाई एकदम मस्त बना दिए एकदम। देखिए एकदम अब अच्छा अच्छा बनेगा यार, क्या कविता जी। हाँ मतलब आपको पूरा अब समझ में आ गया कि किस तरह का डालेंगे तो बन जाएगा बढ़िया ना। तो देखिए अब पूरा ये जो है इसको पूरा अंदाज मिल गया, अब कितना डालेंगे किस प्रकार से डालेंगे तो अब अच्छा अच्छा बनेगा, निकलेगा रोटी। तो देखिए पुआ जो है बहुत अच्छा सा ये निकला हुआ है। तो ठीक है जी अब बनाइए, है ना। हाँ। तो आग उधर कम होगा तो बोलिएगा, हम उधर आग जलाते रहेंगे। हाँ। तो दोस्तों देखिए कविता जी कितना रोटी बनाई है, देखिए पूरा कढ़ाई भर गया है, इतना ज़्यादा रोटी बना ली है। और देखिए कढ़ाई में भी होइए है अभी तक, हाथ धो लीजिए, कढ़ाई उतार दीजिए। हाँ। और चलिए वहीं पर, हाँ वहीं पर चलेंगे चबूतरा में। दोस्तों हम लोग चबूतरा के नीचे पहुंच गए हैं, यहाँ जो आम का छाया जो एकदम पूरा छायादार है। तो सबसे पहले कविता जी को पहला निवाला जाता है, ये लीजिए। कहे कि सुबह से कविता जी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। बाबू आ गया, तू भी खाएगा बाबू, हाँ ये लो मुनी भी। हा? खाएगा देखो। अच्छा मुनी भी खाएगी। खाएगी बेटा, खाने ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। खा बेटा, खा खा बेटा, खा। अच्छा कैसा लगा कविता जी? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। हाँ एक नंबर अच्छा लगा एकदम। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा खाने में, एकदम एक नंबर का आज कविता जी जो है बनाई है, बहुत मेहनत की है सुबह से इसको बनाने में। आप लोग भी आज इसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग को बनाने में मेहनत किए हुए हैं, हम लोग को बहुत काफ़ी समय भी हो चुका है, तो हम लोग नहीं ज़्यादा देर तक मतलब रुक पाए। हम लोग कोशिश किए लेकिन हम लोग नहीं जल्दी डाल पाए। तो चलिए आज का ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग के इस ब्लॉग में अगर अच्छा लगा होगा, चाहे कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो, तो हमें सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप सजेस्ट करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और हमें सजेशन करना चाहिए, कहे कि हम लोग अगला सुधार करने का हम लोग को मौका मिलता है, तो हमें सुधार करने का मौका दीजिएगा, हमें बताइएगा इस ब्लॉग के बारे में कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय।